पिछले करीबन दो सालों से हमने देखी हमारे ट्राइबल चीफ की डोमिनेशन लेकिन कौन कौन हुआ है लेकिन काफी लोग चाहते कि एक बार से हमारे ट्राइबल चीफ की जगह वो बिग डॉग वाला बेबी फेस वाला जो रोमन एक बार फिर से वापस आए और रीसेंट में कुछ ऐसे प्लान है सामने किस तरीके से डब्ल्यू डब्ल्यू रोमरियंस का फेस टर्न करवा सकती है उसके बारे में बात करेंगे रिसेंट आ डब्ल्यू डब्ल्यू ने भी शास

कर रहे हैं डब्ल्यू डब्ल्यू के अंदर चाहे वो हेट से क्यों ना कर रहे हो फैंस उन्हें देख रहे हो अगर आप ट्वीट करते हो थ्योरी को लेकर हेट को लेकर भी इसका मतलब ये कहीं ना कहीं थ्योरी आपकी अटेंशन ग्रैप कर पा रहे हैं जो कि आजकल की हील नहीं कर पाते या फिर स्पेशली यंगर जनरेशन का जो टैलेंट है वो नहीं कर पाते लेकिन थ्यूरी वो कर पा रहे हैं ये वो रीजन है डब्ल्यूब्ल्यू ने डिसाइड किया थ्योरी को अल्टीमेट पुष्ट देने वाली है ये वही है जो कि रोमन को भी मिला था ये वो है जो कि ब्रॉक को मिला था ये वही है जो जॉन सीना को मिला था और अल्टीमेटली वही चीज थ्योरी के ऊपर डब्लब्ल्यू अप्लाई कर रही है जो कि मेरे से काफी अच्छी चीज है जो थ्योरी है कौन से लेवल तक पहुंच पाते हैं और मेरे हिसाब से थ्योरी की यू नो हाई एक्सपेक्टेशन है मैनेजमेंट की कि थ्योरी आने वाले टाइम में मेगा स्टार बनते हुए नजर आएंगे आज की जो हमारी सेकंड लास्ट अपडेट है है वो इस बार जुड़ी द क्वीन द्वीश फेर के बारे में बात करूं अगर कर, मैं शार्ल्फेयर के बारे में वो भी डब्ल्यू डब्ल्यू से बाहर है उन्होंने डब्ल्यू डब्ल्यू से ब्रेक लिया था अपनी चैंपियनशिप हारने के बाद उनकी शादी बारात हो गई थी अंड्राडे के साथ में और तब से लेकर अब तक वो डब्ल्यू डब्ल्यू से बाहर ही है लेकिन रिसेंट टाइम एक रिपोर्ट आती है सामने और बताया जा रहा है जो शार्ल्ट फेयर है वो अपनी डब्ल्यू डब्ल्यू रिटर्न के लिए पूरे तरीके से रेडी है अब बस डब्ल्यू डब्ल्यू के